मैं आलू गोभी बना रही हूँ। इसमें मेरा घी गर्म हो चुका है, एक साइड पे मैंने दूध गर्म रख दिया, खत्म गर्म हो चुका, घी गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग डालूंगी, जैसी क्रैक होती है डाल दूंगी मैं इसमें कटा हुआ प्याज और अदरक। मैं हरी मिर्च डाल दूंगी, प्याज भून चुका है, मैं डाल दी टमाटर, टमाटर डाल दी, थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च, धनिया सॉरी हल्दी, नमक, फिर डालूंगी थोड़ा सा सब्जी मसाला, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, धनिया पाउडर, टमाटर को अच्छे से पका लो, मसाला अच्छे से भुन गया। अब मैंने जो आलू को भी धो के रखी थी काट के वो डाल दूँ, अच्छे से मसाले मिक्स हो गए, पानी नहीं डाला क्योंकि आलू गोभी थोड़ी थी,
उसमें जितना पानी सोख लिया, अब मैं इसको ढक दूँगी, आँच को मीडियम कर दूँगी। अब मिक्सी में मैं आटा गूंद रही हूँ। फूड प्रोसेसर के अंदर मैं आटा गूंद रही हूँ। मैंने ये दो तीन इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, इसको टाइट कर लिया, ये लिया, ये आटा गूंदने वाला है। वन स्कूप में आटा डालूंगी, स्विच ऑन करके मैं आटा। इसे अब गंदम लेते हैं, हम बनाएंगे आटा बिल्कुल नरम गूंदा है। मशीन से गूंदने का एक फ़ायदा कि ये हाइजीनिक रहता है, हाथ कैसे है उसका पसीना है कुछ अंदर इसके नहीं जाता, आराम से आटा गूंद। अब आते हैं सब्जी की तरफ। अभी थोड़ी कच्ची है सब्जी, गोभी थोड़ी सी अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल दिए, थोड़ा पानी डाल दिया। अभी 5 मिनट इसको और लगेंगे, सब्जी तैयार है। पानी सेक चुके, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी क्योंकि सब्जी होगी तैयार। ताज़ा धनिया आज नहीं है तो जो मैंने धनिया सुखा के रखा था वो थोड़ा सा डाल दूँ। सब्जी तैयार है, गैस कर दिया मैंने बंद। ये मैं गरम गरम सर्व करूँगी।
मेरी सच्ची तैयार है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।